हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज मैं बताऊंगा इस तरह के VFX वीडियो कैसे आप बना सकते हैं। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को आपको दो पार्ट में शूट कर लेना है। फर्स्ट पार्ट में वीडियो को कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है आपके वीडियो में 50% पार्ट जो है आपको आसमान दिखना चाहिए, बैकग्राउंड में बिल्कुल यहाँ पे एक खाली होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। सेकेंड पार्ट का वीडियो आपको जो शूट करेंगे तो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। तो दो पार्ट का वीडियो शूट हो जाएंगे तो बैकग्राउंड में जो भी वीडियो आपको लगाना है इसके बाद वो वाली वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे तीन पार्ट में वीडियो को शूट किया हूँ। तो आपको वीडियो को जब शूट कर लेंगे, शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखे है और वहाँ पे एक एप्लीकेशन रिवर्स का, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। आपने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद आपको 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कैमरा के ऊपर से एक टी शर्ट लिया और ऊपर की, तो कैमरा के ऊपर से मैंने कुछ इस तरह से फेंक दिया हूँ। तो देखना है आपको कुछ इस तरह से भी आपको भी फेंक देना है कैमरा के ऊपर की तरफ से। आपको इस पोजिशन में आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। तो हमारा कुछ सिर्फ इतना जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमें चाहिए, तो कुछ सिर्फ इतना ही पार्ट हमें चाहिए। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आइडो फेड आउट को ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है और इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको HD 720p और 30:30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है रिवर्स, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को आपको मिल जाता है। सिंपल इस पर आपको स्टार्ट रिवर्स पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएंगे। इसके बाद जो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुका है। लेकिन क्या होता है, जब ये वीडियो हम काइनमास्टर एप्लीकेशन में सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो वीडियो है सपोर्ट नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन और इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फ़ोन में, आई शूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिस जो वीडियो आपने रिवर्स किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से डन करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है और यहाँ पे आपको HD 720 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है और फाइनली ये वीडियो हमारा गैलरी में सेव हो चुका है रिवर्स होने के बाद। इसके बाद आपको फिर से हमें काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर से हम इसे हम बैक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से मैंने एडिट कर चुका था। इसके बाद मीडिया पे आना है और इसके बाद आई शूट से जो आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका वीडियो देख सकते कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा रिवर्स में। वीडियो पर क्लिक करना है, क्रॉप पर क्लिक करना है और दोनों फिंगर से आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट आपको कुछ इस तरह से कर देना है और यहाँ पर आपको इक्वल कर देना है। आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वाला वीडियो कुछ इस तरह से आया, सेकेंड वाले कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चले आएगा। इस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट ले लेना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट ले लेना है। तो
वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वाले कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर गया और फिर से ऊपर गया। इसके बाद फिर से मीडिया पे आना है। इसके बाद जो वीडियो हमने शूट कर रखे हैं नोरल मोबाइल फ़ोन से, उस वीडियो को फिर से हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं हमने क्या किया था। इसके बाद देख सकते हैं जैसे कि ये जो है हमारा जैकेट नीचे की तरफ गिरा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, इस जैकेट को पहन लिया हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको भी पहन लेना है। पहनने के बाद, जैकेट पहनने के बाद आपको कुछ इस तरह से नीचे पीछे आपको बाइक हो या फिर कुर्सी हो, जो भी हो उस पर आपको कुछ इस तरह से बैठ जाना था। सिंपल में यहाँ पे इसके बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, 3 2 लेफ्ट कर देंगे। इसके बाद हम कुछ इस तरह से कुर्सी पे बैठ चुके हैं, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से बैठ जाना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद थर्ड वाला वीडियो हमने कुछ इस तरह से शूट कर रखा हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही आपको शूट कर लेना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, 3 2 लेफ्ट कर देंगे। तो हमारा थर्ड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को 3 2 राइट कर देंगे। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दुबली एस लेयर पे क्लिक कर देंगे। वीडियो आपको लेयर पे आ चुका है, इस वीडियो पे क्लिक करेंगे। इसे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लेकर आ जाना है। इस वीडियो को हम सबसे पहले छोटा करते हैं। जैसे कि इस कुर्सी पे बैठते हैं, हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो यहाँ पे दिखाना है, समय दिखाना है। सिंपल वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको इस लेयर के सामने यहाँ तक लेकर आ जाना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोप का, क्रोप पे क्लिक करेंगे और नीचे का कुछ पार्ट जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कुछ इस तरह से क्रोप आपको कर देना है। कर दिया, इसके बाद इसे डन करेंगे और कुछ इस तरह से इसे जूम कर लेना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। जो आपको बादल दिख रहा है वहीं पे सीन चाहिए, एडजस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ब्लेंडिंग को, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्ले पे क्लिक कर देंगे और यहाँ ओपेसिटी के कुछ इस तरह से आप हल्का कम कर देना है, 65 के आसपास रहने देना है। आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो वीडियो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 20 सेकेंड के आसपास बन गया। अगर एक्स्ट्रा पार्ट कुछ भी दिख रहा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है कुछ, तो हम रिमूव कर देते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। अब इस वीडियो के अंदर में जितने भी आपको ओरिजिनल साउंड हो, ओरिजिनल साउंड को आपको सारे को आपको म्यूट कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा हूँ, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड